हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इनकी ना मॉर्निंग ब्लॉग फ्रेंड्स इत वीडियो कंपा पिड़ी निक्रे मुझे फुल डे ब्लॉग वो ना ये ट्रे पड़े सो ब्लॉग पाक मुझे फर्स्ट वह मैं चेनल सब्सक्राइब पड़ी पक बिल मैं प्रेस पड़ेंगे फ्रेंड्स लाइक पड़ूंगे शेयर पड़ेंगे ओके फ्रेंड्स पाँच मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट पड़े इतना टाइम पाती 11 o'clock आो ना वो ओवरऑल वो मैक्सीम वीटल वर्क मुड़च क्लीनिंग अदक पाती वेसल्स क्लीन पड़े अब तुणी वह तुक वर्क मुड़च पाकल वीडियो क्लीन पड़े वर्क नाम मुड़चों फर्स्ट ऑफ ऑल वह वर्क मुड़चाले नमक वो रोमे वह वीडियो नीटा वह नमक कुछ रिलेक्सा ना वो एल वर्क मुड़चे वह कुटीस मटा विटर से विटो नेक्स्ट वह पाती तुणील मड़क वेदी अड़चेलो नम्बर अंत वीडियो क्लीनिंग पड़े वर्क फुला डस्टिंग पड़ी फे वह क्लीन पड़ी एड़ा नेक्स्ट वह पाती तुण वह तुके पटर अद तुच मुड़ी अब अत वर्क वह नाम वह कुछ कुछ मिशन मिशन ओडिटर सर अड़ मुड़ो अद नेक्स्ट वह कुकिंग वर्क पाकल फ्रेंड्स कुटीस पाकल अच्छा टाटा भाई टाटा सर ओके फ्रेंड्स इतना ना ब्लॉग वह इतने नेक्स्ट वो कुकिंग ना पड़े ना ब्लॉगो ना शेयर पड़ी करें ओके फ्रेंड्स पाती तुणील वाश् पड़ी एटो फ्रेंड्स इतल नम्बर काय पटो अब वर्क मुड़चरल कुटीस वह तूंग आरमचा तूंगे वह मेल में वर्क नम मुड़ा फर्स्ट वह वाइट क्लॉथ पैंट शर्ट्स अंतमारी ईटमसा वह फर्स्ट ना वह वाश् पड़ी एड़े नेक्स्ट वह पाती बैच वह तुक नाम वो मिशन पटरल तुणी नम्बर लोड पड़िया नेक्स्ट इत तुणी एल नमक कायपोटा वर्क मुड़ो पाती तुणी एल वह नम्बर कायपोटो पता बाली फ्रेंड्स इंतर पड़े सोफा सोफा वह मुख्यमें उसे यूस पड़ी के अगे वह तुणी कायपुर स्टाडु मैक्सीम शर्ट पैंट अब मटम ना इत व कयु वो मेल कटीर ऐसा हेंगर पटा अदा संडे टाइम मटा मैक्सीम नम कल अब रेगुलर टाइम्स नम स्टाड नम का बालकनी मट नम कुछ कूटी एल कूटीटा नमुक इत वाल मुड़ो टक टू रोम इनकी नियम का मलयुमा अड़चर काट रोम डस्टिंगा कूटी मुड़े काटे ना वो कूटी मुड़े इतना ओवरऑल वो बालकनी रोमेसा चल मुड़ा ओर फ्रेंड्स इतना चिना बालकनी पाती अवट सैड व्यू अभी इंतना कुछ ना वह मर से अंतमार कुछ ना वो मॉर्निंग टाइम पाती कुयो सउंड ना क्या बर्ड्सा वह मॉर्निंग टाइम वो नेक्स्ट वह पता लंच बटर बीन्स बटर बीन्स वह आलरे वे कुछ बीन्स वह पता सिंगल बीन्सा सो इत बीन वह कुछ वे पाकल रेसीपी लंच को नम्बर पड़पर ना अंत बटर अंत बीनसुम अब रोम पचये वह कंगयम तक पूंड वह नसुकल अब मंज तूल आड पड़े अय वो वेग्र अल्वक वह तर आड पड़ी के तनि आड पड़े नम्बर अड़पे वे नम्बर ना वह वेग वटरल मुकाल पाग मर वर की ना वेगटो फ्रेंड्स अंदर वेदा वह ना वो सूपर वह अंब टेस्टे वो ना पांग इन वेगले इन कुछ नेर वेगन ना वो वंदमा वह पड़ला पाती कुछ मिगूल आड पड़ी के ना वंदम आड पड़े मिगूल वह पाती टेबिस्पून टी स्पून अल्वक वो मिगूल आड पड़े सैड बै सैड ना सापड़ वो ना अड़पे वेटे सो अब टन वाले अब कीरे की वो ना कीरे ना वह
அரிஞ்சு நல்லா வந்து தண்ணி வடிகிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் குழம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் வந்து போட்டது வந்து நல்லா வந்து அந்த ஸ்மெல் போகி நல்லா வந்து கொதிச்சு பாருங்க காய் வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு, சூடாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. இது வெந்ததுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் அண்ட் டேஸ்டியாக செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு டக்குன்னு இறக்கக்கூடாது, ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து கொதிக்க விடணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இதுக்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை ஆட் பண்ணி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து கொதிக்க விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சூப்பரான வந்து குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடும். இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது, எனக்கு கொஞ்சம் கூட கெட்டியாக வேணும். ஸோ வந்து இப்போ பாருங்கள் அடுப்பு வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு தட்டு வந்து போட்டு மூடிட்டோன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மிதந்து வந்துடும். குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம். இன்கேஸ் நம்ம குழம்புல வந்து காரமும் உப்பும் அதிகமாகிருச்சுன்னா நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சரி உருளைக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோன்னா டக்குன்னு அது வந்து ஈக்குவல் ஆயிடும். ஸோ எனக்கு லைட்டாக காரம் அதிகமான மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குழம்பு இறக்கியாச்சு. வெங்காயம் வந்து நான் தாளித்து ஊற்றிட்டேன். கடுகு வெங்காயம்லாம் தாளித்து ஊற்றி நம்ம குழம்பு வந்துட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட வந்துட்டு சிங்கிள் பீன்ஸ் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இந்த பீன்ஸும் நமக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நல்லா சுட சுட சாப்பாட்டில் இந்த குழம்பு நம்ம சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த அடலாடி நம்ம இந்த கீரைப்பொரியல் ரெசிபி வந்து நம்மளுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நான் தாளிச்சது பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கடுகு கருவேப்பிலை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாளிச்சு ஊற்றிருக்கேன். அதனால் நான் அந்த கீரைப்பொரியல் காட்டில். ஸோ இந்த விலாக் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க. பிடிச்சிருந்த மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.